एक तरफ देश में जहां अंतिम चरण की वोटिंग जारी है, वहीं पश्चिम बंगाल से अंतिम चरण की वोटिंग के दौरान कई जगहों से झड़प की खबरें सामने आ रही हैं। जयनगर लोकसभा सीट से वोट देने जाने से रोके जाने पर नाराज लोगों ने मतदान केंद्र से ले जाकर ईवीएम तालाब में फेंक दी। इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन टीम को रास्ते में ही रोक दिया गया। आरोपों के बीच सड़क के बीच पेड़ की टहनियां लगाकर पुलिस को रोका गया। वहीं भाजपा प्रत्याशी अशोक कंडारी ने आरोप लगाया कि टीएमसी विपक्षी एजेंटों को बैठने भी नहीं दे रही है। बीजेपी का दावा है कि सुबह से ही बीजेपी कार्यकर्ताओं की एक वर्ग को बैठने तक नहीं दिया है। इन्हें इतना पीटा गया कि वो उठ भी नहीं पा रहे हैं। पुलिस के आने के बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। साथ ही लोगों ने भी जानकारी दी है कि उन्हें वोट देने से रोका गया है।